हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और ये मेरे YouTube चैनल का सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं आपसे पहली बार वीडियो में बातें करूंगा। बातें इन द सेंस ये मेरा फर्स्ट ऐसे व्लॉग होगा, हाँ, जिसमें कि मैं आज जा रहा हूँ कहीं बाहर घूमने, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, ठीक है। और गलतियाँ तो बहुत सारी होंगी तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी, ठीक है। तो आज मेरे साथ है मेरा दोस्त, हम दोनों आज बाइक से जा रहे हैं, ये रहा। हाय गाइस। तो आज हम दोनों यहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार, हमें तो वैसे बीच पे जाना था घूमने लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हम रहते हैं बेलगाम में, तो यहाँ से हम लोग दो जगह जा सकते हैं, एक तो है गोवा और दूसरा है मालवा। तो अभी रास्ते पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ओके, तो चलो फिर गाइस आपसे मिलते हैं बाद में, हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। नहीं पता नहीं वीडियो कैसे बनेगी, ऑब्वियसली ख़राब ही बनेगी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो माफ़ कर देना। हमने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए फाइनली डिसाइड किया मालवन। तो चलो गाइस चलते हैं अपन लोग सीधा मालवन। तो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू दिखा है, तो मैं आपको बता दूँ अभी तो हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में। ये हम लोग कहीं सावंतवाड़ी जिला के अंदर है अभी, तो मैंने सोचा ये व्यू आपके साथ भी शेयर करूं, ठीक है। क्या व्यू है यार, कितना मज़ा आ गया देख के। ऐसी जगह पे आके ना दिमाग में दो ही थॉट आते हैं, पहला तो ये कि वाह यार कितना मस्त व्यू है, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। और जो दूसरा थॉट आता है ना वो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, ठीक है, कि अगर यहाँ से अगर कोई गिर गया तो उसका क्या होगा। तो उसका क्या होगा दोस्तों, वो तो सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप मेरे चैनल को ऊपर लेके जाइए सब्सक्राइब करके। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो गाइज हमें यहाँ पे दो भाई लोग मिले। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, और आपका? गौरव। गौरव, हम पुणे से आए। तो ये लोग भाई पुणे से आए, अपने महाराष्ट्र के लोग हैं। हम लोग रहते कर्नाटक में लेकिन हम ही मराठी। तो आपसे मिलके लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई क्या बोल रहे, लाइक और सब्सक्राइब, इनकी तो बात मान लो, मेरी बात तो नहीं मानते आप लोग। मान लो इसकी बात। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से मार लेते हैं कल्टी। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं होटल में और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, कंटिन्यूस 3 आवर्स से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोचा कुछ खा लिया जाए, पेट पूजा कर लिया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे मालवन में किसी होटल में रुके हैं। नाम क्या था होटल का? चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य होटल। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और खाने में हमने यहाँ पे वेज थाली लिया है, ठीक है। तो अभी मेरे साथ है मेरा दोस्त। अच्छा खाना कैसा है? मस्त है। और ये नमक कैसा है? मज़ा ही आ गया नमक में, मज़ा आ गया, ठीक है।
चलो गाइस मैं भी अभी खाना टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। अच्छा लगा तो बताऊँगा आपको, नहीं अच्छा लगा तो समझ लेना मैं शेयर ही नहीं करूँगा। ओके चलो फिर बाय। खाना खाने के बाद हम फिर से बैठ जाते अपनी बाइक पर और आधे रास्ते में ही मेरा ये हाल था, लेकिन मुझे रहना था पॉजिटिव सो मैंने धारण कर लिया अपने मुंह पर फेक स्माइल। और फिर ये नदी और नारियल के पेड़ देख के मैं समझ गया था कि हम आ चुके हैं मालवन के बहुत ज़्यादा पास, और मेरे मुंह पे आ गई थी फिर से रियल वाली स्माइल। वैसे हमें मालवन पहुँचते पहुँचते हो गई थी बहुत ज़्यादा शाम, लेकिन इस व्यू को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम यहाँ पे आए हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइम पे। लेकिन साथ में अफसोस ही हुआ क्योंकि हम हो गए थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट और मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इस सनसेट के। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और लिया इस सनसेट का टाइम लैप्स। तो गाइज तब तक आप देखो ये सनसेट, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा कल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपना दूसरा डे है मालवन में, तो हमने सोचा जल्दी उठ के यहाँ पे दूसरे प्लेसेस एक्सप्लोर किया जाए। तो उसके लिए हमने आज सुबह यार 5 बजे अलार्म लगाया था, लेकिन उठे कितने बजे पता है आपको? कितना अभी ये देखो 6:20 हो रहा है और अभी उठे हम लोग। हमने सोचा था 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक रेडी होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो हमने प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं किए थे कल तो वैसे बहुत लेट हो गया था यहाँ पहुँचने के लिए। तो हमने सोचा था जल्दी उठ के दूसरे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, जल्दी मतलब यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो शांति होगी भाई, बीच पे कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और हम लोग अच्छे से मतलब अभी तो हम लोग मैं क्या बताऊँ आपको मैं अभी भी मतलब पब्लिक में ऐसे शूट करना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो सोचा जल्दी जाएंगे बीच पे शूट करेंगे, जहाँ पे जो भी लोग मिलेंगे उनसे थोड़ा बातें करेंगे। तो भाई 5 का अलार्म लगाया था, अभी तो बज गए 6, तो अभी क्या कर सकते हैं, 6 नहीं यार 6:30 बजने को आ गए, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अभी देखते हैं, अभी रेडी होंगे और यहाँ से 7:15 बजे निकलेंगे नहा धो के। और वैसे यार अगर घर पे होता तो बनी बनाई चाय मिल जाती, तो अभी तो मैं रूम में हूँ तो यहाँ पे भाई कौन देगा चाय तो चाय की भाई बहुत याद आ रही है अभी तो। तो बाहर भी अभी तक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक ना थोड़ा अंधेरा ही है, तो हम लोग वेट करेंगे और 10-15 मिनट, उसके बाद अपन जाएंगे यहाँ देखेंगे कोई किसी दुकान में बाहर चाय मिलती है क्या, हम लोग चाय पियेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है आपको यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए मिलेंगे और वो भी बहुत रीजनेबल रेट पे, तो वो भी एक्सपीरियंस करना है। ठीक है तो मिलते हैं आपसे बाद में। ओके तब तक के लिए कुछ नहीं, मिलते हैं आपसे बाद में तो ये देखो गाइस यहाँ का सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। ये जगह इतनी शांत है ना भाई, यहाँ पे सुकून ही सुकून है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर आप गोवा जाते हो तो भाई ऐसा सुकून तो आपको मिलेगा नहीं, वहाँ पे इतना क्राउड रहता है ना भाई, आप एक सेल्फी लो आपके फ्रेम में 10 लोग आएंगे है ना तो यहाँ पे तो ये देख के मज़ा आ गया मेरे को। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरे पीछे देखो यार यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, दिख गया सनराइज़। हमारा अभी आज का प्लान तो था कि यहाँ पे ना ऐसे कोई 1-2 आइलैंड्स है, तो हमने प्लान किया था वो आइलैंड्स देखेंगे फेरी से जाके, लेकिन यहाँ पे जब पूछा हमने लोकल यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि फेरी
अगर फेरी लेना है तो एटलीस्ट 8 लोग चाहिए उसके लिए। तो हम तो वैसे अभी 2 ही लोग हैं, तो देखते भी पूछते उनको कि 2 लोगों को लेके जाएंगे कि नहीं। अगर आइलैंड देखने को नहीं मिला तो फिर क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही चले जाएंगे। मिला तो ठीक है, आपको दिखाएंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय। और सुबह सुबह बीच देखने के बाद मैं जा रहा होता हूँ रॉक गार्डन की तरफ, और मुझे मिल जाती है रास्ते में मेरी एनर्जी ड्रिंक, जो कि मैं पीसफुली नहीं पी पाता। तो चाय तो हो गई अपनी ख़त्म, चलो अब चलते हैं रॉक गार्डन की तरफ। भाई जी अब जा रहे हैं अभी, और ये हमारा शेट ड्राइविंग कर रहा है, ये देखो देखो ध्यान से देखो इस चेहरे को। और ये अब चल रहे हैं, देखो रास्ता आप। रुको, हम बने रहिए आप लाइव। तो इसको रास्ता कंफ्यूज हो गया था और अभी फिर से इसने घुमा लिया गाड़ी, ये रहा, इस साइड जाना है हमको। हम रॉक गार्डन पहुंच तो गए, लेकिन गलत टाइम पे, क्योंकि वो था बंद। लेकिन अभी अभी हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पास ही में कोई बहुत खूबसूरत सा बीच है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जगह दुनिया से परे बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। यहाँ पे मैंने अकेले में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ पे एक हमें पत्थर मिला जो कि भाई पानी में तैर रहा था, लिटरली भाई पानी में तैर रहा था। मैंने खुद उसको अपने हाथों से फेंका पानी में, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, आप खुद देख लो। मैं नहीं मानता। इस पत्थर को जब मैंने अपने हाथ में उठाया तो ये मुझे कुछ 5-6 केजी फील हुआ, लेकिन भाई पत्थर तो पत्थर होता है ना। तो चलो इसको वापस से पानी में फेंकते हैं और बढ़ते हैं आगे। भाई ये देखो क्या कारनामा कर रहे हैं, वो पत्थर एक्चुअली तैर रहा था, हमने देखा तो वो साइड में आ गया था तैरते तैरते, अभी ये देखो तैर रहा है। देख सकते हो आप, वो पत्थर तैर रहा है अभी भी, डूबने का नाम ही नहीं ले रहा वो पत्थर। मैंने उस पे राम लिखा है अभी, इसलिए तैर रहा है वो। देखो मुझे नहीं पता गाइस वो क्या है, लेकिन तैर तो रहा है, मैंने उसको दबा के देखा, स्पंज भी नहीं है वो। बहुत एक्सप्लोरर है हमारा भाई, बहुत बड़ा एक्सप्लोरर है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक मंदिर दिखा है गणेश जी का, हमने सोचा दर्शन ले लें। जो पीछे दिख रहा है ना, ये है गणेश मंदिर। चलो आपको लेके चलता हूँ अंदर। गणेश जी हमको घर वापस सेफली पहुंचा दीजिए, बस इतने विषय आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको मंदिर के थोड़ा साइड में आजू बाजू दिखा देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे कोई छोटा सा मंदिर है, एकदम छोटा सा, ये रहा छोटा सा मंदिर। इनको भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार भगवान जी।
तो चलिए चलते हैं, अभी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लाइट ही करेंगे क्योंकि अभी हमें स्कूबा डाइविंग वगैरह करना है। स्कूबा डाइविंग मेरे को बोलने में नहीं आ रहा यार कैमरा पे। ठीक है, तो मुझे अभी स्कूबा डाइविंग करना है थोड़ी देर बाद, तो मैंने सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, कुछ लाइट सा, कुछ भी ऐसा, वड़ा पाव कुछ भी लाइट सा खाएंगे, नहीं तो कोई उपिट कुछ जो मिलेगा वो खाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्कूबा डाइविंग वगैरह जो भी वाटर एक्टिविटीज हम लोग करेंगे ना वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं, तो ये हमारे रूम के ओनर, नाम क्या अभी आपका? समीर। तो इनके रूम पे अभी हम लोग ठहरे हैं, तो ये लोग अभी हमें यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने लेके आए, तो फिलहाल अभी हम लोग टिकट लेने आए हैं। तो ये रही दीदी, दीदी क्या है बोल दीजिए। क्या क्या कराओगे आप? सेवन गेम है सर। सेवन गेम में आपका वाटर स्पोर्ट के फोर गेम है, फोर गेम में आपके सिटिंग मंपर, स्लीपिंग मंपर, बनाना जूट्स की फायर सीलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। ये कितने में पड़ेगा पूरा पैकेज? 600 अपने बोला है। 800 पैकेज। ओके ठीक है, तो भैया के थ्रू आओगे तो 800, ये भैया आपको रूम सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे, आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करके देंगे आपको। आपका रूम किधर है भैया? एड्रेस? आबा निवास है। यहाँ जगह कौन सी है? ये दूरीवाड़ा में इनके, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको बाद में बीच पे, तब तक ले बाय। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं बीच पे, हमने टिकट्स ले लिए, ये दो टिकट हमको पड़ी 1600 की, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये फ़ोन का कवर ले लो, अगर हमको कुछ पानी में वीडियो शूट करना है तो उसके लिए हमने ये कवर लिया है। वाटरप्रूफ है, आप देखते हैं कितना वाटरप्रूफ है। हमने तो उनको बोला अगर मोबाइल ख़राब हुआ तो आप ही लोग दोगे हमको पूरा रिफंड। तो देखते हैं, और मेरे पीछे इसको पता नहीं यार क्या बोलते हैं, मैं तो इसको बाइक ही बोलूँगा मैं, और पता नहीं ये हमारे इंक्लूडेड है ना, ये हमारे पैकेज में ये इंक्लूडेड है, तो इसकी भी राइड लेंगे और आपको बताएंगे इसका एक्सपीरियंस। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते क्या होता है। हाँ बस एक चल चल One eternity later. घट पकड़ो और सब तुम भी हमारे साथ जुड़े रहो, और देखो बैठा है दिन भर इसमें, अभी देखो अटकाता है उधर, जाको हम कुछ अभी पकड़ लेंगे, हमारी बारी है, घट पकड़, कैसा होना वैसा पकड़, घट घट उठा उठा के फेंकता है, चलो घट शेट कचरा शेट चालू, गाइस ये देखो अभी क्या मजा आ गया। ओ बहनचोद हेलो गाइस, हाय गाइस, कैसा मजा आया? एक नंबर मजा आ गया गाइस, पट गई इसमें भाई, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये क्या बनाना राइड, इसमें भाई आप समझ लो। और बाकी हमने वो भी किया जेट की जो दिख रहा है ना बाइक की तरह, वो जेट की वो भी किया, सब में मजा आया, इसमें भी स्टार्टिंग मजा आया, लास्ट में इनसे पूछो कैसा रहा एक्सपीरियंस, भैया ने लगा दिए लास्ट में अच्छे से। लेकिन हाँ ओवरऑल तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलो फिर अभी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, आपको वहाँ पे मिलते हैं, चलो टिल देन बाय। तो हाय गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं इस बोट में से, ये रही हम अपनी बोट, और हमको ये चार भाई लोग मिले हैं। ठीक है, ये कोल्हापुर से है, आप भाई
का? 12 में। तो ये दोनों महाराष्ट्र से है। नाव का माझं नाव राहुल मोरे। राहुल मोरे तुमचं? राहुल पवार। राहुल पवार सांगा की चॅनल सबस्क्राइब करा म्हणून। या भावाची चॅनल सबस्क्राइब करा आणि माझं कमेंट करा आपल्या या व्हिडिओला। हा त्यांच्यासाठी तरी करा सबस्क्राइब। चला मग भेटू नंतर, बाय। भाई फाइनली अब मैं स्कूबा डाइविंग करने जा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे विशलिस्ट में पिछले 2 साल से थी और वो दिन आज आ ही गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और साथ में डर भी बहुत लग रहा था। वो अलग बात है, पानी के अंदर जाने के बाद मेरा बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। तो स्कूबा के बाद जो लास्ट चीज़ बची थी वो थी पैरासीलिंग, जिसमें भाई जो मज़ा आया नेक्स्ट लेवल था। बहुत मज़ा आया। तो इतना ही था वाटर एक्टिविटीज़ में। अब हम चलते वापस अपने रूम। तो हम आ चुके वापस अपने रूम में। सोचा थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। बहुत ज़्यादा पानी में भीग गए थे हम लोग। जो आपको पता ही होगा, अगर आप किसी बीच पे गए हो तो आपको तो पता ही होगा कि अगर बीच में जाते हैं पानी में, अगर कुछ खेलते हैं तो पूरी जो रेत होती है ना, पूरे जेब में, सिर में, कान में, हर जगह घुस जाती है। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और ऐसे भीग भी गए थे। तो सोचा आके जल्दी से यहाँ पे फ्रेश हो लिया जाए रूम में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मालवन आए थे घूमने, तो कल शाम को तो आपको बीच दिखाया, आज हमने थोड़ा एंजॉय किया, वाटर एक्टिविटीज़ किए कुछ कुछ। तो अभी हमें निकलना है वापस बलराम के लिए। इट इज़ ऑलमोस्ट 3 नाउ। सो अगर हम लोग अभी निकलते हैं बाइक से बलराम के लिए तो हमें करीब करीब 8 बज जाएंगे पहुँचने के लिए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो लेट ही है। घर वाले तो डांटेंगे इतना लेट पहुँचेंगे। तो मालवन में तो बस इतना ही दिखा पाए गाइस, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आपको। सारा बीच ही दिखाया हमने और जो भी रोड ट्रिप था हमारा, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे, मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो जैसा ही वीडियो बनाए प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय। ये देखो एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी, तब से खोलने की कोशिश कर रहा। देखो नहीं, अभी खोल ही देगा, आज बहुत एक्सपीरियंस है भाई को। बस दो मिनट अभी ठीक कर देगा। अभी देखो क्या क्या कट 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 कट